क्लास 10th मैथ बेसिक सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 28 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, हमें क्या दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, हमें क्या दिया हुआ है? हमें डिफरेंस दिया है, किसका किसका डिफरेंस दिया है? सर्कमफेरेंस और रेडियस का, है ना। सर्कमफेरेंस माइनस रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? दैट इज 37 सेंटीमीटर, है ना, पाई को इतना है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बताना है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा। अच्छी बात है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर माइनस रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 37। आर आर दोनों के पास है, आर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया? 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 37 इक्वल्स टू 37। यहां पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर दें, पाई का वैल्यू कितना होता है? बिल्कुल 22/7, तो कितना हो गया? आर इंटू 44/7 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हुआ? 37। यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, 7 आएगा 44 और माइनस इधर हो गया 7 इंटू आर इक्वल्स टू 37 इक्वल्स टू 37। अच्छी बात है, अब आर आर इंटू 44 माइनस 7 दैट इज 37 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 37। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा? 7 इंटू 37 7 इंटू 37 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बाय 37 37 से 37 कैंसिल हो गया, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। आर इक्वल्स टू कितना आया? 7 सेंटीमीटर। क्या हमें आर चाहिए? नहीं चाहिए, हमें तो सर्कमफेरेंस चाहिए भाई। तो लिखेंगे नाउ सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 को 2 रहने दिया, पाई को 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 7 से 7 मर गया, 22 2 जा 44 कितना हुआ? 44। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कोई इशू है इस क्वेश्चन में? कोई इशू है? बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, साथ ही साथ कैलकुलेशन मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन में, ठीक है। या तो नंबर आपको मिलेंगे या फिर कट जाएंगे, तो आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए और एक टाइम में आंसर सही आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उससे पहले अगर आपने हर एक वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ इसके हैंड रिटन पीडीएफ भी वहां प्रोवाइड किए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।